और हमने गाड़ी को हाफ क्लच में अटकाना है, हमने ये हाफ क्लच देंगे और हम गाड़ी वहीं रुकी रहेगी। तो ब्रेक छोड़ने पे क्या होता है, गाड़ी पीछे आती है, जैसा कि आपको दिख रहा है अभी, ये गाड़ी अभी मेरी पूरी पीछे जा रही है। तो अब हमें क्या करना है कि गाड़ी पीछे ना जाए। चैनल ने हदर ट्रैवल में आपका स्वागत है। गाइज, आज का जो वीडियो होने वाला है वो वीडियो होने वाला है गाड़ी कैसे चलाए पहाड़ों पर, क्योंकि देखिए कभी ना कभी आप और हम आते हैं पहाड़ घूमने और गाड़ी चलाते हैं, कुछ टेक्निक्स ऐसी होती है पहाड़ों पर गाड़ी चलाने की जो मेरे लिए बहुत यूज़फुल रही है और होप करते हैं कि आज की वीडियो में वो आपके लिए भी यूज़फुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो, और वीडियो शुरू करने से पहले क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए, अभी गाड़ी डाउन में खड़ी हुई है तो डाउन हिल की बात करते हैं, और मैं चलती हूँ गाड़ी की ओर और आपको बताऊँगी कि डाउन हिल में गाड़ी कैसे चलानी चाहिए, उसके बाद हम आगे की टॉपिक्स में बात करेंगे। चलिए, सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। बेल्ट मैंने अपनी पहन ली है, फर्स्ट गियर डाल दिया है और जो हैंड ब्रेक है वो नीचे कर दिया है। तो इसमें मुझे कुछ नहीं करना, हल्का सा मैंने क्लच छोड़ना है और मेरी गाड़ी देखिए धीरे 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 आगे बढ़ जाएगी, कोई रेस देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको जल्दी से, थोड़ा सा तेज़ हुई आपकी गाड़ी, हल्का सा क्लच दबाया और ये सेकेंड गियर में तुरंत डाल दिया। सो गाइस, जो लोग गलती करते हैं डाउन हिल पर गाड़ी चलाने में, वो मैक्सिमम वो लोग करते हैं जो डाउन हिल में टॉप गियर पे गाड़ी चलाते हैं, जबकि डाउन हिल में हमें थर्ड गियर डाल के गाड़ी छोड़ देनी चाहिए। अब देखिए, मैंने इसको क्लच दबाया, थर्ड गियर डाला और मैं बस ब्रेक में पैर है मेरा और गाड़ी अपने आप ही आगे बढ़ रही है। डाउन हिल पर थर्ड गियर पे गाड़ी चलाने का हमारा एक बेनिफिट भी है, वो बेनिफिट है कि हमें गाड़ी पर कंट्रोल रहता है और उसका एवरेज हमें अच्छा मिलता है। वहीं फोर्थ गियर में उल्टा होता है, गाड़ी का कंट्रोल हम पे हमारा कम रहता है और जो एवरेज वो गिरता चला जाता है, क्योंकि हमें बार बार ब्रेकिंग करनी पड़ती है। तो इससे अच्छा है कि हम थर्ड गियर डाल के अपनी गाड़ी को छोड़ दें और अपना एवरेज भी अच्छा निकालें। सो गाइस, अब मैं आ गई हूँ अप हिल में और अब हम यहाँ पे गाड़ी चलाएंगे, और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये होता है कि कैसे गाड़ी को उठाया जाए। तो चलिए आपको मैं कुछ टिप्स देती हूँ, देखती हूँ मैं उठा पाती हूँ नहीं उठा पाती हूँ, और मेरे साथ आप भी देखिए। सो गाइस चलिए उठाते हैं गाड़ी खड़ी चढ़ाई में, और मेन जो लोग गलतियां करते हैं वो ये करते हैं कि वो क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर है वो साथ में हैंडल करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है और वो बार बार पीछे को आती है। तो हमें ये गलती नहीं करनी है, हमें हाफ क्लच पे गाड़ी उठानी है। देखिए मैं आपको बताती हूँ क्या कहते हैं, आपने गाड़ी स्टार्ट की, क्लच दबाया और हैंड ब्रेक हटाया। देखिए हाफ क्लच में आपको अभी ये देखिए साउंड चेंज होगी और मैं ब्रेक में फैट आऊँगी। देखिए ये गाड़ी खुद बढ़ रही है, ये देखिए। सो गाइज, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे चढ़ाई में उठाना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर जब हम बड़े ट्रैफिक में होते हैं, पीछे गाड़ी होती है, तो उस समय पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है खड़ी चढ़ाई में कि गाड़ी हमारी पीछे ना जाए। तो देखिए, अगर मैं अभी ब्रेक छोड़ रहा हूँ, यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पहाड़ पर कि जब हम ब्रेक छोड़ते हैं तो ब्रेक छोड़ने पर क्या होता है, गाड़ी पीछे आती है, जैसा कि आपको दिख रहा है अभी, ये गाड़ी अभी मेरी पूरी पीछे जा रही है। तो अब हमें क्या करना है कि गाड़ी पीछे ना जाए। जरा पास आएंगे तो देखेंगे कि हमने गाड़ी फर्स्ट गियर पे डाल दी है और अभी मैंने पूरा क्लच दबा रखा है, ठीक है, पूरा क्लच दबा रखा है और ब्रेक दबा रखा है। तो अभी मैं ब्रेक नहीं छोड़ूंगा और मैं धीरे धीरे क्लच को छोड़ूंगा। देखिए, अब मैंने क्लच छोड़ लिया है, ठीक है, और क्लच जब मैंने छोड़ा है तो गाड़ी अब रुक गई है, अब खड़ी चढ़ाई में गाड़ी रुक गई है और मैंने ब्रेक नहीं दबा रखा है। तो आप पास आके देख सकते हैं, मैंने क्लच पे ही गाड़ी को रोक लिया है खड़ी चढ़ाई में और ब्रेक मैंने बिल्कुल नहीं दबा रखा है, ब्रेक वाला पैर मेरा ये है। अब सपोज अभी ये सिर्फ अटकी है क्लच पे, अब मुझे क्या करना है, मुझे गाड़ी को जो है आगे ले जाना है, अगर तो मैं हल्का सा एक्सीलेटर दूंगा और क्लच को थोड़ा और छोड़ूंगा तो गाड़ी आगे को जाने लग जाएगी। दिख रहा है आपको, ठीक है, एक बार और देख लीजिए आके कि गाड़ी हमारी फर्स्ट गियर पे है और फर्स्ट गियर पे हमने क्या करना है, बस क्लच को धीरे धीरे छोड़ते रहना है और इंजन की साउंड पर ध्यान देना है जैसे जैसे, और हल्का सा ब्रेक छोड़ेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे। देखिए अभी मैंने ब्रेक छोड़ा तो गाड़ी पीछे जा रही है, अब मैंने क्लच थोड़ा सा और ज़्यादा छोड़ा है, अब गाड़ी पीछे नहीं जा रही है, अब गाड़ी अटक गई है। देखो, और ये गाड़ी चढ़ाई पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे खाई हुई है पूरी, फिर भी ये क्लच पे अटकी हुई है, बिल्कुल पीछे नहीं जाएगी, एक इंच पीछे नहीं जाएगी गाड़ी, ऐसा लग रहा है जैसे कि ब्रेक दबा रखा है। और अब जैसे ही हम एक्सीलेटर देंगे तो ये गाड़ी आगे बढ़ जाएगी बिल्कुल प्यार से। तो
चलिए गाइज, अब हम जो है सीखते हैं कि हमें रोड पे कैसे गाड़ी चलानी है पहाड़ पे। और पहाड़ पे रोड पे जब गाड़ी चलाने का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि गाड़ी हमेशा लेफ्ट साइड होनी चाहिए। देखिए, ये ट्यूटोरियल उनके लिए है जो बेसिक गाड़ी का जानते हैं बट पहाड़ पे गाड़ी चलाने से डरते हैं। तो देखिए, अभी चढ़ाई भी है, अपहिल भी है और सेकंड गियर पे मेरी गाड़ी है। और मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर को अटेंशन रहेगा वो ये रहेगा कि मैं अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड रखूँ, क्योंकि पहाड़ पे गाड़ियों के लिए कोई डिवाइडर नहीं होता है बीच में और सिंगल रोड होती है बिल्कुल। तो उस टाइम पे जो है प्रॉब्लम होती है। देखिए, जैसे ये गाड़ी आई तो अभी मैं लेफ्ट साइड था तो उसको भी निकलने में कोई दिक्कत नहीं हुई और मुझे भी निकलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो हम गाड़ी को जो है लेफ्ट साइड ही चलाएंगे, और ख़ास करके जब मोड़ हो, जैसे ये मोड़ आया है, ये बैंड आया है, तो इस टाइम पे मैं लेफ़्ट साइड अपनी गाड़ी को दबा के चलूँगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर मैं मोड़ पे गलत जाता हूँ, सपोज़ मैं इस साइड से जाता हूँ, तो सामने से अगर गाड़ी आती है मोड़ पे तो मैं उससे टकरा सकता हूँ। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमको जो है लेफ़्ट साइड चलना है, बस ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है। इसके बराबर कोई रूल नहीं है पहाड़ पे गाड़ी चलाने का कि हमें लेफ्ट साइड चलना है। ये थी हमारी हिल्स में कार ड्राइविंग के से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी टिप्स। ऐसी ही टिप्स हम आपके लिए और भी लेके आएंगे अपने वीडियोस में, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, मेहनत ट्रैवलर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, कीप ब्लेस्ड।